जहाँ पे है एक पूरा राउंड अबाउट। तो अभी हम लोग जो है वो राउंड अबाउट को टर्न कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये ड्राई पोर्ट, यहाँ पे ड्राई फ्रूट आता है सारा, यहाँ पे हो रही है शॉपिंग और शॉपिंग हो रही है बकरों की। आप देखिए टिक्के के लिए वहाँ पे जो है मौजूद है, और साथ में मुंडियाँ भी मौजूद हैं, और ये देखिए हार भी। पहले हार पहनाए, उसके बाद यहाँ पे ज़िबा करके ये बोटी बनाए, और फिर बाद में जो है वो सीखे बनाए। वाह, पूरा सामान रखा हुआ है। पंजाब की सुबह, ये पता नहीं कौन सी मंडी है लेकिन ये है मंडी। और ये बैल देखे कितना प्यारा है, ये बकरे मौजूद हैं यहाँ पे, हर किस्म के लेले, बच्चे बकरे और छोटे छोटियाँ हर चीज मौजूद है। और ये देखे पेड़े और दुम्बे, इतना बड़ा बांस अकेला लेके जा रहा है भाई। और ये देखे ये भी, इसका मतलब ये तरक्की हो चुकी है। न्यू डॉलर शॉप, यहाँ पे सेल है, जहाँ इसकी इंटरेस्ट चेक करें कितनी प्यारी है, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं जुबैर फारूक एक मरतबा फिर आप लोगों के साथ मौजूद हूँ। मैं आपको अपने चैनल पे वेलकम, खुश आमदीद और जी आना करता हूँ। तो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। मेरे साथ जो है वो कंटेस्टेंट मौजूद है, तो मैं उनसे क्वेश्चन करता हूँ, आइए मेरे साथ चलिए। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए, तबीयत ठीक है आपकी? अल्लाह का शुक्र। भाई जान क्या लेने आए हैं यहाँ से? तो ना शॉपिंग जो है ना, इधर मामा के साथ आए हैं सामान लेने, कुछ घर सामान लेने के लिए आए हैं। हाँ। अच्छा मुझे ये बताएं, वो कौन सा ऐसा जानवर है जिसके सर पर पांव होते हैं? बहुत लंबा जवाब है। होते हैं। नहीं, मैंने ये पूछा वो कौन सा ऐसा जानवर है जिसके सर पर पांव होते हैं? सर पर पांव होते हैं, सर पर पांव होते हैं किसके? सब जानवर के। सब जानवरों के नहीं, परिंदों के। हाँ, ये आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया, इंजॉय योर इवनिंग, बहुत अच्छा शाम है। तो ऐसी वालदा की खिदमत करते रहे, मेहरबानी। यहाँ पे जो है $1 शॉप है, और यहाँ पे हर किस्म की जो है वो क्रॉकरी, ग्रॉसरी, हर चीज़ जो है वो मौजूद है। जहाँ पे देखिए ये मौजूद है प्लाजा, तो ये कितना ऊंचा प्लाजा है। और ये देखें सामने है फ्राइज जर्मन, जहाँ पे जो है वो ऊंट आ चुके हैं। और ये देखें माशाल्लाह, बच्चों के खेलने के लिए यहाँ पे एक शटर लगाया हुआ है, ये देखे बच्चे कितने खुश हैं माशाल्लाह से। ये इन्होंने रोड के, यहाँ पे रोड है और इन्होंने इस साइड पे जो है वो लगाई हुई है, यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। ये देखे प्लेइंग एरिया ऑन रोड, रेनबो स्लाइड इसका नाम है। यहाँ से जो है ऊपर चढ़ते हैं बच्चे, और वो देखे स्लाइड करके नीचे, शाबाश। जहाँ पे जो है वो केजीज में मौजूद हैं प्यारे प्यारे कबूतर, ये देखें। ये देखे ये कबूतर किस किस नस्ल के हैं, ऊंची दौड़ वाले कबूतरनिया भी हैं, और ऊपर भी देखें। तो ये ना इस वक्त सिर्फ शाम की दौड़ के हैं, क्योंकि शाम हो चुकी है, और बड़ा ज्यादा इस वक्त मौसम बड़ा कमाल का है, इस वजह से लोग काफी ज्यादा इंजॉय कर रहे हैं। शहर तो बहुत सारे देखे होंगे, आज हम हैं मौजूद समरयाल शहर में, तो समरयाल शहर का विजिट आप लोगों को करवा रहे हैं। देखिए आप, आम बिक रहे हैं, कहीं कोई और चीज बिक रही है, और ये यहाँ पे ट्रैफिक जैम आ गया है। ये यहाँ पे जो है वो बाजार है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हर किस्म के जो है वो, माय गॉड। ये जो है बकरों का एक तरफ समा, ओ माय गॉड, इतने बड़े बड़े पिपड़े चिड़िया, यहाँ पे बड़े गोश्त की मार्केट भी है। और ये देखें
ईडन रो ब्रांड मौजूद है, अजवा यहाँ पे मौजूद है और हर तरह के ब्रांड मौजूद है। देखिए यहाँ पे जगत मौजूद है और कितना प्यारा व्यू है और मैं भी यहाँ पे मौजूद हूँ, तो मुझे मिले एक प्यारे भाईजान, तो उनसे करते हैं इंटरव्यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? आपका नाम क्या है? आसफ। आसफ साहब, तबीयत ठीक है आपकी? अच्छा अच्छा। आसफ साहब, मुझे ये बताइएगा कि वो कौन सा ऐसा परिंदा है जिसके सर पर पाँव होते हैं? आसफ साहब हो चुके हैं परेशान। जी जी। जिसके सर पर पाँव होते हैं? सर पर पाँव। बड़ा मुश्किल सवाल है ये, बहुत मुश्किल सवाल है। ले इनके मशवरा देने के लिए अंकल जी आए हैं। ये क्या लगते हैं आपके? ये भाई हैं, भाई जान ये जो है बड़े सीनियर लग रहे हैं, मुझे लगता है ये जवाब देंगे। ये मदद करने के लिए आए आपकी? आप इस तरह करें इनके कान में जवाब बता दें, ताकि ये है बता दें इनके कान में जवाब बता दिया और वो परेशान हो गया। कैसा जवाब बताया आपने अंकल? नहीं पता पक्की बात है? नहीं आपको नहीं, आप बताएं कौन सा ऐसा परिंदा है जिसके सर पर पांव होते हैं? हर परिंदे के सर पर। ओ वाह, ये कमाल का जवाब दिया। नहीं तो इनके कान में क्या बताया? उन्हें बताया नहीं आता। ओ वाह जी वाह, आपका तो जवाब दुरुस्त है, बड़ा जबरदस्त आपने जवाब दिया। सर जी ये कितनी गलत बात है, नहीं पता लगा। चले आसिफ साहब मेरी बात, मैं जब से यहाँ पे आया हूँ तो भाई जान काफी ज्यादा हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। भाई जान क्या हाल है आपके? तबीयत ठीक है आपकी? क्या नाम है आपका? अच्छा अरफान भाई, माशाल्लाह से काफी हंसमुख लग रहे हैं मुझे। अच्छा आप ना 30 सेकंड मुझे हंस के दिखा दें बस। एक मिनट, मुझे कैमरा भी घुमाना पड़ा साथ साथ। 30 सेकंड, अभी तो 5 सेकंड हुए हैं, थोड़ा आवाज नहीं आ रही, सड़न हंस रहे हैं। ये थोड़ा सा अरफान भाई, वो ये मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। वो कटे हो गया, वो देखे हो गया। आई आई या ये जी, ये जबरदस्त है। अच्छा ये हंस रहे हैं साथ में ग्रेवी में, ये भी हंस रहे हैं और वो भी हंस रहे हैं, बल्कि सारे यहाँ पे खड़े हंस रहे हैं। थैंक यू यार, बहुत शुक्रिया आपका भाई, बहुत शुक्रिया आपका। नजारे आन गए, नजारे जवान, होए 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 होए, ये नर्सरी है, कितनी प्यारी नर्सरी है, माशाल्लाह से हर किस्म का पौधा यहाँ मौजूद है। वाह, उसके बाद वो मुझे कोई एक अच्छी सी जगह नजर आ रही है, वो भी आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये आई केयर क्लिनिक है डॉक्टर सफर इकबाल साहब का, और इसके अंदर सेंटर, ये भी मैरिज हॉल है।
ये देखे कितना प्यारा मैरिज हॉल है माशाल्लाह से, बहुत ही प्यारा मैरिज हॉल है। अल रशीद पैलेस इसका नाम है, तो हाईली रिकमेंडेड है। ये भी बन रहा है लेकिन ये बन रहा है मूलिया तर्ज के ऊपर, तो बहुत ही प्यारा है, लाइक जबरदस्त। तो इसको भी विजिट करेंगे इंशाल्लाह हम। ये छोटी सी आरसी तौर पे मंडी लगाई हुई है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं किस तरह जो है वो लोग मौजूद हैं। साथ में बकरे यहाँ पे मरिंडा पी रहे हैं, मरिंडा। अभी तो ये रोड तैयार हो गया, आप ये देख सकते हैं रोड की हालत किस तरह हुई हुई है। ये देखे यहाँ पे जो है वो खोखा मौजूद है, ये नहर का जो है पैलेस जो यहाँ से क्लियर नजर आ रहे हैं। शहर के यहाँ पे मौजूद है और आप ये देखिए कि कितना प्यारा मौसम है माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ पे भी शहर की मक्खियाँ हैं, अभी ठंड पड़ रही है इसलिए वो छुपी हुई हैं। यहाँ पे मौजूद है एक छोटी सी मस्जिद, आप देख सकते हैं इस तरफ नहर चल रही है बहुत प्यारी, और ये देखिए मस्जिद मौजूद है माशाल्लाह। ये देखें सुभान अल्लाह माशाल्लाह। और ये देखें, हम हर चीज के बगैर रह सकते हैं लेकिन छलियों के बगैर ही रह सकते हैं, तो हमने देखी छलियां और काफी ज्यादा वाली छलियां। तो ये देखें यहाँ पे छलियां मौजूद है और ये कितनी प्यारी हैं माशाल्लाह से, सुभान अल्लाह। ये किस वास्ते रखी हुई हैं? ये तो बाल कमाने इन बी बनना है, बड़ा टाटा ये तो बी बनना है। तो कितने दी चली है? ये चली है सेवा के लिए सेवा। अच्छा, ये स्काई से मिल ये स्काई हुई है? हां जी बिल्कुल, आज पाइयां ने सूख जानी है। अच्छा, आज सूख जानी है? हां, एक दो दिनों दे में सूख जानी है। ये बीज वास्ते है? ये बी वास्ते है, तैयार हो रही है। ये बी वास्ते तैयार होनी है? हां जी, ये बन मार। अच्छा 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 अच्छा, मैंने ये दसो के वो केड़ा जानवर ऐसा जिसे सर पर पांव होते हैं? सर पर पांव हर परिंदे दे होंदे ने कि नहीं? वाह, बिल्कुल ठीक जवाब है, मेहरबानी यार, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। ये रास्ता जाता है नीचे नहर की तरफ और यहाँ पे मौजूद है एक बहुत कमाल का पुल। तो ये देखें यहाँ से कितना प्यारा मंजर है भाई जान, चलते फिरते आ रहे हैं तो इनसे करते हैं क्वेश्चन माशाल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, क्या हाल चाल है आपके? तबीयत ठीक है आपकी? यहाँ पे नहर पे क्या कर रहे हैं? अच्छा, आप अकेले एंजॉय कर रहे हैं? अच्छा अच्छा, क्या करते हैं आप? बाहर बाहर किधर? अच्छा 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 अच्छा, तो ये शेर क्या गम में बढ़ाई हुई है इसलिए क्या? अच्छा, दाढ़ी रखते हैं? अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये गाने चलाए हुए भाई ने जेब में डाल के इस वक्त? अच्छा कर रहे हैं आप, इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जगह बड़ी खराब है क्योंकि वो ना ये नहर काफी गहरी भी है सुनने में। अच्छा अच्छा अच्छा, जी ये बता रहे हैं यहाँ से इतनी गहरी नहीं है लेकिन जो है ना वो पीछे से काफी गहरी है ना, यहाँ पे कम गहरी है। अच्छा मुझे ये बताएं, वो कौन सा ऐसा जानवर है जिसके सर पर पांव होते हैं? बाहर से आए हैं, कुछ तो आपको पता होगा ना। वाह यार, आप क्या नहीं है, क्या नहीं वो जो आप के ऊपर ये यही तो हर बंदा समझता है, यही बात समझता है। चले बहुत शुक्रिया आपका, आप जो है एंजॉय करें वहां पे, गाने सुने और चिल करें। मैं यार थैंक यू सो मच, आपको टाइम लिया। ये जो है वो इस वक्त मुझे लेके आए हैं मदरसे में, मेरे साथ जो है अमीर भाई हैं, वो बहुत प्यारे भाई हैं, तो उन्होंने मुझे कहा था कि आपको जो है मैं मदरसा विजिट करवाता हूँ, जामिया मस्जिद सरदार शरीफ सदीक हनफिया मजद्दिया,
इसका नाम है और ये इसकी एंट्रेंस है, ये चेक करें, यहाँ पे ईंटें लगाई हुई हैं और ऊपर भी अल्हम्दुलिल्लाह से काम हो रहा है। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखें, ऊपर भी जो है अभी कंस्ट्रक्शन हो रही है, क्योंकि ये मदरसा भी है बेसिकली, बच्चे यहाँ पे पढ़ते भी हैं। और ये देखें काफ़ी खुला और मदरसा है, मुफ्ता अली बाबा रहमतुल्लाह, यहाँ पे वजू करने की जगह है, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वजू करने की जगह है, वजू करते हैं लोग। और ये सर्दियों के लिए गीजर का, और वहाँ पे वाशरूम है उसे दिखाने। तो ये है मस्जिद, माशाल्लाह सुभानअल्लाह, तो ये कितनी प्यारी मस्जिद है। ये देखे वहाँ पे चगाटे पड़ी हुई हैं जिसके दरवाजे लगाने हैं इन्होंने, और यहाँ पे पूरे का पूरा जो है ये माशाल्लाह से कितना अच्छा सेटअप है। तो आप ये देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब, कारी साहब क्या हाल है आपके? अच्छा अच्छा, कारी साहब जो है ये मस्जिद में कब से काम कर रहे हैं आप, पढ़ा रहे हैं, मतलब कब से जो है आप यहाँ मौजूद हैं, आप कब आए हैं? एक महीने हो गया। कारी साहब एक महीने से पढ़ा रहे हैं? जी जी एक महीने से। तो यहाँ पे नाजरा और हिफ्ज़ दोनों होता है? हाँ जी, हिफ्ज़ भी करवाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कारी साहब कितनी गुंजाइश है इस जगह पे लोगों की जुमा पढ़ने की? दो एक सौ बंदा आ जाता है। तो कारी साहब के साथ मौजूद है यहाँ पे अमीर कारी साहब, ये भी जो है वो मेरे दोस्त भी हैं और बड़े अच्छे भाई भी हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अमीर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अमीर साहब आपका नाम अमीर किसने रखा था? ये मेरे चूहा शरीफ के पीर साहब हैं, पीर सईद के मोहम्मद कबीर अली शाह साहब, उन्होंने रखा था। ये नाम मस्जिद भी उनके नाम की है? नहीं नहीं, ये मस्जिद उनके नाम की नहीं, उन्होंने मदरसे का नाम रखा है। अच्छा अच्छा, जामिया तलीमुल कुरान। अच्छा 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 अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि इस मस्जिद के जो है आप इधर ही होते हैं? आप भी आप क्या करते हैं? हिफ्ज़ आप करवाते हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, हिफ्ज़ आप करवाते हैं। तो कारी साहब यहाँ पे सैलरी है आपकी या फिर आप वैसे फीस भी लगा करते हैं? फीस भी लगा। अच्छा अच्छा, फीस भी लगा करते हैं। तो कारी साहब इसमें कौन कौन सा ऐसा काम होने वाला है, क्योंकि हो सकता है हमारा कोई ऐसा व्यूअर कोई बंदा देखे इसको, तो हो सकता है कि वो जो है वो रिकमेंड करें उसको, चलें आपको कोई अगर फाइनेंशियल एड भी करनी हो, किसी मदद करनी हो आपकी, तो किस तरह जो है आपकी की जा सकती है? ये देखें ना, मजीद अभी ये सफ़ें डलने वाली हैं। ठीक है ठीक है, ऊपर अभी काम जारी है। ठीक है, इस तरह के बच्चों के लिए रहायश के लिए कमरे वगैरह बना रहे हैं, दूर दूर जो उनसे बच्चे आ जाते हैं उनके लिए ऊपर कमरे बनाए जा रहे हैं। तो कहाँ कहाँ से बच्चे पढ़ने के लिए आपके पास आते हैं? ये मुल्तान शरीफ से भी आते हैं, फिर कसूर पसरूर से, ये दूर दूर से बच्चे आते हैं, तो उनकी रहायश का बंदोबस्त ऊपर किया जा रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो जिसकी अभी तो काम ईद रमज़ान में स्टार्ट किया था, तो ऊपर लेंटर तक पहुंच गया, लेंटर पड़ गया, फिर उसके बाद काम रुक गया। तो अभी प्लस्तर होना है, दरवाजे लगने हैं, फिर फर्श होना है, अभी मजीद अभी काम दूसरी मंजिल का जारी है। अच्छा अच्छा, तो अच्छा, अल्लाह ताला से यही दुआ है कोई नेक बंदा, जब भी कोई आता है कोई नेक बंदा आ जाता है, कहता है फलां काम मैं करवा देता हूँ, फलां काम मैं करवा देता हूँ, वो फिर करवा देता अपने हिस्से का काम। तो अच्छा, मेरी अच्छा, भी यही गुजारिश है कि अल्लाह ताला कोई बंदा ऐसा जरिया बनाए, सबब बनाए आप लोगों के लिए, मस्जिद के लिए, कि जो यहाँ पे आके जो है वो थोड़ा बहुत, क्योंकि काम आपको पता है अल्लाह का घर बनाना, वैसे भी यहाँ पे दुनिया में और आखिरत में। तो आपने कारी साहब की बातें सुनी हैं, दोनों कारी साहब से हमने इंटरव्यू लिया और वो बता रहे हैं कि अल्लाह के लिए फीस भी लीला वो यहाँ पर पढ़ाते हैं और इस मदरसे को वो चलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि आजकल वैसे भी हालात जो हैं वो थोड़े से मतलब जो है वो आम बंदे के मुआफ़क नहीं है। तो कारी साहब भी जो है वो चंदा मांगे तो बुरे लगते हैं, लेकिन अगर जो है वो इनडायरेक्टली इस बात को कहें तो वो जो है वो बड़ा ही एक हम लोगों को समझना चाहिए, माशरे को समझना चाहिए। तो मैं तो जो है इस बारे में जितनी हेल्प हो सकेगी मैं तो करूँगा, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा, मैं जो है इस मदरसे का कोई अकाउंट नंबर या कोई डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा लिंक में, अगर आप में से कोई भी जो है वो मुखय्यर हज़रात जिनके पास इतनी इस्तेआत है कि जो है अपना मदरसे के बच्चे वहाँ पे पढ़ें या मदरसे के बच्चे वहाँ पे तालीम हासिल करें, तो सदका जारिया ता हयात ता जिंदगी और उसके बाद जो है वो मौत तक जो है ये साथ रहने वाला है। तो ये देखें ईंटें भी यहाँ पे पड़ी हुई हैं, तो ये देखें अब जो है नमाज का टाइम हो गया है, तो हम लोग जो है वो चलते हैं और यहाँ से ये देखें, क्योंकि नमाज का टाइम हो चुका है मगरब की, अब वो देखें जो है क्लिक जो है वो ग्रीन हो गया, तो अभी जो है वो कारी साहब अजान देने लगे हैं, तो हम चलते हैं यहाँ पे और नमाज़ पढ़ते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, मेरे ब्लॉग को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।